अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग तीसरी अफ्तारी का व्लॉग शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जिसके अंदर ये हम लोगों ने अभी फ्रूट चाट हम लोगों ने कटिंग कर रहे हैं फ्रूट चाट की। तो फ्रूट चाट के अंदर अभी हम लोगों ने ये बनाना और एप्पल वगैरह डाल दिया। अभी हम लोग खरबूजा कटिंग कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। खरबूजा हम लोगों ने लाया, ये कटिंग अभी हो रहा है, तो ये भी हम कटिंग करके डालते हैं। एप्पल वगैरह भी हमने डाल लिए हैं और बनाना वगैरह भी डाल लिया है। तो ये इसके अंदर से बीज निकले हैं, बीज भी ज़ाया नहीं जाने देंगे हम लोग। ये बीज भी हम लोग सुखा के रख लेते हैं, तो कभी कुछ हम लोगों ने बनाना होता है ना, मीठा हलवा वगैरह, तो ये लोग उसमें हम लोगों ने उसमें इस्तेमाल करते हैं इस बीज को। इसको भी ज़ाया नहीं जाने देते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करके फिर ये उसमें ऐड करते हैं। ये देखिए आप लोग कटिंग करके ये ऐड होना शुरू हो गए हैं इसके अंदर खरबूजे। आज हम लोग के पास नए नए रेसिपी की चीज़ें आई हैं, मतलब कि समोसे आए हुए हैं, चिकन समोसा और चिकन रोल। आज हम लोगों ने कीमे का इस्तेमाल नहीं किया, चिकन समोसा और चिकन रोल का इस्तेमाल किया है। तो उन दोनों चीज़ों में चिकन का, तो वो भी हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। वो भी माशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी है। तो अब ये देखिए कि इसमें हम लोगों ने डाल दिए ये, और ये फ्रूट चाट हमारी हो गई है रेडी। और ये दही फुल्कियाँ आज हम लोगों ने बनानी है, तो उसके लिए मैं इसको दही को अभी ये फेंट रही हूँ। ये फुल्कियाँ हम लोगों ने बॉईल करके रख लिया है, वो दही में फेंट रही हूँ। तो ये इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया, तो ये देखिए मैं दही को इसमें फेंट रही हूँ। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा बिल्कुल आप लोग ऐड करें, उसके बाद इसको फेंट लें। हम लोग अब इसमें दही फुल्कियाँ ऐड कर रहे हैं। दही के अंदर जो हम लोगों ने फेंटी थी मसाले के अंदर, अभी थोड़ी सी मसाले में, तो ये हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसके बाद इसको तड़का लगाएंगे, और ये तेल गर्म हो रहा था जिसमें अभी हम लोगों ने चिकन समोसा डाले हैं। चिकन समोसा फ्राई कर रहे हैं हम लोग, देखिए कितने मज़े के हो रहे हैं फ्राई। चिकन समोसा हम फ्राई कर चुके हैं, और अब हम ये लोग रोल फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए चिकन समोसा हम लोग फ्राई, ये देखिए चिकन समोसा हम लोग फ्राई कर चुके हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। ये देखिए चिकन रोल फ्राई हो रहे हैं, और रेडी फ्रेंड्स ये चिकन स्प्रिंग रोल है, मिनी स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल, और ये चिकन रोल फ्राई हो चुके हैं। ये चपली कबाब है, इसको भी फ्राई करेंगे हम ऑयल में। ये चपली कबाब जो ऑयल में फ्राई हो रहे हैं, और ये चिकन स्प्रिंग रोल जो मिली थे वो भी फ्राई हो चुके हैं। और ये जो दही बड़े दही फुल्कियाँ थी इसको हम लोगों ने तड़का भी लगा लिया है, तो देखते कि दिलचस्प से लग रही हैं। इस पर अभी हम लोग धनिया वगैरह गार्निश किया हुआ था, तो वो ऐड हमने किया है। और ये चीज़ ही पैरी पैरी बाइट हैं, तो ये पैरी पैरी बाइट भी अभी हम फ्राई करेंगे। और ये हम लोगों ने पैरी पैरी बाइट फ्राई करने के लिए रख दी है ऑयल में। और ये हम लोगों ने चपली कबाब फ्राई कर लिया है, और ये शामी कबाब भी दो तीन थे पहले भी फ्राई कर लिए, और पैरी पैरी बाइट भी फ्राई कर लिया है। आ गए अब जूसेस के जाने, तो जूसेस आज हम लोगों ने तीन तरह के बनाने हैं, तो आप मुलाहिज़ा फरमाते जाइए। ये हम लोगों ने इसमें 1-1 टेबल स्पून शुगर डाली है, और हम लोग ये टैंग और फ्रूट के इंस्टेंट इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इंस्टेंट हमने इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने ऑरेंज इंस्टेंट इस्तेमाल किया, इसमें हम लोगों ने पाइन एप्पल इंस्टेंट इस्तेमाल किया। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे, तो ये हम लोगों ने इंस्टेंट इसमें इस्तेमाल कर लिए हैं हमारे फ्रेंड्स। ये हम लोगों ने जो किया है ऑरेंज वाला बनाया है जूस, और ये हम लोगों ने दूसरा वाला है वो पाइन एप्पल जूस इस्तेमाल किया है। तो बहुत मज़े का जूस साथ की ड्रिंक्स तैयार होंगी रमज़ान के हवाले से, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने रूह अफज़ा जो बनाया है वो अंदर है हमारे पास।
और इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं कि हम लोगों ने आपके साथ सारी रेसिपी शेयर कर दी थी, तो इसी के साथ हम लोग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मॉम्स किचन से आपको अल्लाह हाफिज़ करती हूँ मैं। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं।